हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू और आज इस वीडियो में दिखाएंगे पैरट फिंच को। पैरट फिंच मेरे फ्रेंड्स ने खरीद के लेकर आए उनका सेटअप में ब्रीडिंग करने के लिए, तो आज मैं उधर जा रहा हूँ। तो आशा रखते हैं ये पैरट फिंच आपको भी पसंद आएगा और आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलते फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड्स का सेटअप पे चलते, उधर जाके मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो फाइनली मेरा फ्रेंड्स का सेटअप पे चले आया है। मेरा फ्रेंड्स का सेटअप का सामने मैं खड़ा हूँ, वो है मेरा फ्रेंड्स का सेटअप है। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर जाकर मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फाइनली मैं मेरा फ्रेंड्स का सेटअप पे चले आया है, आप देख सकते हो। और चलिए फ्रेंड्स, मैं उन पैरट फिंच को दिखाता हूँ। मेरा फ्रेंड्स ने दो जोड़ी पैरट फिंच खरीदा है, इधर एक जोड़ी दिखाई दे रहा है और इधर एक जोड़ी पैरट फिंच दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो मेरा फ्रेंड्स ने इन बर्ड्स को नेस्ट बास्केट देकर रखे है और एडल है, शायद एक महीने का अंदर ही अंडे लेकर। और ये जो पैरट फिंच आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादा करके तीन चार कलरों में दिखाई जाते हैं, रेड फेस पैरट फिंच, ब्लू फेस और ऑरेंज फेस, लुटिनो, वाइट पैरट फिंच। तो मेरा फ्रेंड्स ने दो जोड़ी खरीदा है रेड फेस पैरट फिंच, आपको शायद देख के पता चल जा रहा है। और ये जो पैरट फिंच है, चिक से अडल होने में 9 या 10 महीना लग जाता है चिक से अडल होने में। और एडल हो जाने का बाद ही इन लोगों को पता चलता है कौन मेल है और कौन फीमेल है। और भी कंफर्म करने के लिए और भी एक तरीका है, वो डीएनए टेस्ट करना ही सही होता है। तो दोनों को एक ही देखने में एक ही लगता है, आपको वीडियो में शायद देख के पता चल जा रहा है। और फ्रेंड्स, इन लोगों को खाने में दिया जाता है कैनारी सीड, ब्लैक सीड और छोटा वाला कांगनी, आपको शायद दिखाई दे रहा है। और उनका साथ थोड़ी रेड मिलेट, वाइट मिलेट भी दे सकते हो और एक फूड 7 डेज ही देना पड़ेगा। और छोटा कांगनी इन लोगों को ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स, इन लोगों ने लाइव फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इन लोगों को चींटी का अंडे, मिलवर्म देने से ये लोग बहुत शौक से खा लेता है। और इन लोगों को ब्रीडिंग सीजन है, ठंडी का मौसम चले जाने का बाद हल्की हल्की गर्मी ये लोगों ने ज़्यादा पसंद करते हैं। और इन लोगों ने 4 से 6 अंडे लेकर थे। तो फ्रेंड्स, केज का अंदर अब नेस्ट बास्केट फिट करके रखोगे तो सारे वर्ष अंडे बच्चे कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गोल्डियन फिंच, स्टार फिंच, आउल फिंच से बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज का बर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये लोगों को प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन नहीं है, सारे बर्ड्स ये लोग अंडे बच्चे कर लेता है। और हल्की ठंडी हल्की गर्म ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडे बच्चे भी कर लेता है। पैरट फिंच बहुत ही एक्सट्रीम फ्लाइंग कर लेता है, आपको शायद देख के पता चल जा रहा है। और इसलिए ये बर्ड्स को 3 डेढ़ साइज केज में रखा जाए तो सही होता है। और 3 डेढ़ साइज का केज में बहुत अच्छा फ्लाइंग भी कर लेता है, हाइट 1.5 फीट और 1.5 फीट चौड़ाई में और 3 फीट लंबाई में देना चाहिए। तो इन लोगों के लिए ये 3 डेढ़ साइज केज सही होता है। और मेरा फ्रेंड्स का पास तो नहीं है, इसलिए 2 फीट बाई 2 फीट केज में रखा है। तो कोई बात नहीं है, ब्रीडिंग टाइम अभी चल रहा है, तो उसका बाद मेरा फ्रेंड्स ने 3 डेढ़ केज में रख देंगे।
एक वेजिटेबल फूड भी दे सकते हो और एक फ्रूट भी आप दे सकते हो, और इन लोगों ने लाइव फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए लाइव फूड्स ब्रीडिंग टाइम पे देना बहुत ज़रूरी होता है। और लाइव फूड खाने से ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत तंदुरुस्त रहते हैं और एक्सट्रीम फ्लाइंग करते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब इन लोगों को पसंद नहीं है, तो साउंड पॉल्यूशन डिस्टर्ब होने से ये लोग नेस्ट बास्केट नहीं लेगा, आपको शायद दिखाई दे रहा है, तो कोई भी डिस्टर्ब कोई भी साउंड पॉल्यूशन होने से ये बर्ड्स नेस्ट बास्केट का अंदर अंडे ले नहीं करते। अगर इन लोगों को जिधर रखिएगा उधर सारे का सारे एग्जोटिक फिंच का साथ ही रखना होगा आपको, वो बड़ा बर्ड्स लव बर्ड्स कोई अलग बर्ड्स का पास रखने से ये लोग अंडे बच्चे नहीं करते और इन लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब फीलिंग्स होता है। तो फ्रेंड्स आशा रखते हैं मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक कर देना, और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।